इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2020। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती को ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आपको जो वहाँ पर वैकेंसी दी गई है अटेंडेंट के लिए होगी, एमटीएस चौकीदार, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाई वाले की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। सभी वैकेंसी की जानकारी के लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, यानी कि अगर आपने कम से कम 10वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे, यानी केवल और केवल आप यहाँ पर 10वीं पास से भी इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो इंडियन आर्मी की ओर से डायरेक्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि इंडियन आर्मी में सीधी भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने कम से कम 10वीं पास किया हुआ, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। आपके यहाँ पर जो एज लिमिट रहेगा 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। इस भर्ती को सबसे बड़ी बात होगी ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे और किसी प्रकार की आपके यहाँ पर दौड़ भी नहीं होगी, यानी कोई रनिंग टेस्ट आपके यहाँ पर इस भर्ती में भी नहीं होगा। किस प्रकार से आवेदन करना है, कहां से आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाए। कितनी आपके यहां पर हाइट होना अनिवार्य, कैसे आपको यहां पर अप्लाई करना है, सभी जानकारी के लिए वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको टेलीग्राम में हम सबसे फर्स्ट प्रोवाइड कराते हैं अपडेट। क्योंकि जैसे कोई हाउ टू अप्लाई वाली वीडियो हुई, या फिर आपको एडमिट कार्ड की जानकारी हुई, या कोई सिलेबस की जानकारी हुई, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट मिलेगा टेलीग्राम में मिलेगा। तो हो सके तो यहाँ पर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट और नेम रहेगा इंडियन आर्मी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो, यानी कि यहाँ पर इसकी ओर से भर्ती चलेगी। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट होगी तो मैं नोटिफिकेशन में बता पाऊंगा। जो आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है टोटल आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 13 प्रकार की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। कुक के लिए रहेगी, अटेंडेंट के लिए रहेगी, गार्डनर के लिए रहेगी, मैसेंजर, वाशरमैन, ग्राउंडमैन, कारपेंटर, सिविल, मोटर ड्राइवर के लिए रहेगी, रिपेयर के लिए रहेगी, यानी कि साइकिल रिपेयर के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। ग्रूम के लिए मिलेगी, और जो आपको यहाँ पर 11वीं वैकेंसी दी गई है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए होगी। चौकीदार और सफाई कर्मचारी, यानी कि सफाई वाले के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर जॉब करेंगे ऑल ओवर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ तक का पे स्केल है, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए, यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 25 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पर पे करना हो। किस प्रकार से पे करना है कंप्लीट वीडियो जरूर देखेगा, आपको वीडियो में हाउ टू अप्लाई करके भी दिखा दूंगा इसी वीडियो में। अगर फ्रेंड्स इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, 18 ईयर से लेकर 27 ईयर के बीच में अगर आपकी जो, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, जो आपकी एज रहेगी 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में होना अनिवार्य है। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 32 ईयर के बीच में आपकी एज होना अनिवार्य है। जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी, एससी एसटी वालों को 5 ईयर की मिलेगी, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती की फिजिकल डिटेल होगी, यहाँ पर आपकी दौड़ नहीं होगी, यानी कि कोई रनिंग टेस्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा। हाइट जो रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना अनिवार्य कुछ पोस्टों के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपके नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूँगा कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बता कर जाना। जो आपकी हाइट चाहिए केवल और केवल दो पोस्टों के लिए चाहिए, वो कौन कौन सी पोस्ट होगी मैं नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा, तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आप इस भर्ती का आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, एजुकेशन के सभी डिटेल, यानी कि 10वीं 12वीं की आपके पास जानकारी, प्लस उनकी फोटोकॉपी, यानी कि उनकी सभी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। अगर आप इस भर्ती की हिंदी में जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी
दी गई है। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, अगर आपने 10वीं और 12वीं की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट की हुई है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, फिर आपका यहाँ पर फाइनल मेरिट रहेगी। अगर हम इस भर्ती के इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे, आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 30 जनवरी 2021 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आना होगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर सबसे पहले बताने किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर फोटो लगाना है, फोटो को यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड भी कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर फुल नेम देना होगा यानी कैंडिडेट का नेम पूरा लिखना होगा, फिर उसके पापा का नाम यानी कि फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपको यहाँ पर अपनी एज भी बतानी होगी, आपको यहाँ पर ईयर मंथ और डे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको बताना किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यानी कि जनरल ओबीसी एससी एसटी जो भी आप हो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, फिर आपको यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन फिल करना है, रिलीजन बताना होगा यानी कि जो भी आपका हिंदू धर्म हो, अगर तो हिंदू मुस्लिम हो तो मुस्लिम आपको यहाँ वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, फिर आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, पोस्टल एड्रेस देना है, विलेज बताना होगा, पोस्ट ऑफिस बताना है, तहसील बतानी है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट स्टेट और पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करने के बाद इसी प्रकार से आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस भी फिल कर देना है। कहने की बात है आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग इस वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूँ किस प्रकार से आवेदन करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप यहाँ से वो वीडियो देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन करना होगा। और क्या पता आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख पाएंगे किस प्रकार से आवेदन करना होगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म प्लस जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी और ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया बिहार की ओर से ऑफिसर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 19 दिसंबर 2020 को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको यहाँ पर इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, एज लिमिट जो आपको यहाँ पर रहे कितनी छूट दी जाएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, प्लस आपको यहाँ पर कितना पे स्केल रहेगा यानी कितनी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, कौन सी वैकेंसी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। इसमें आपको सफाई कर्मचारी एमटीएस ग्राउंडमैन आपको बहुत सारी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, सभी की जानकारी आप यहाँ से ले पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको यहाँ पर इसी में नीचे मिल जाएगा, आप उसकी जानकारी वहाँ से ले पाएंगे। ये राज भर्ती का एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, फिल करने के बाद आपको एड्रेस हमारी वेबसाइट पर दिया गया है यानी कि जो आपको सेंड करना है इस वाले एड्रेस पर आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सेंड करना होगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं बिहार का यहाँ पर एड्रेस दिया, पोस्टल एड्रेस, ऑफलाइन आपको यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन करना होगा। सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपको हमारी वेबसाइट पर आने का ये लाभ होगा, आपको यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट लिंक डेली अपडेट होते रहते हैं, आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ से सभी लिंक का यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।